हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है मेरे और एक सीओडी के वीडियो पे। तो आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाने जा रहा हूँ जो देख के बाद आपका दिमाग एकदम फट जाएगा। आज जब मैं खेल रहा था तब मुझे एक चीज दिखा और अपने ही फ्रेंड लिस्ट में है और ये चीज मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। तो ये जो प्लेयर है इसका देखो, ये जो प्लेयर है पता नहीं कौन है, अपने फ्रेंड लिस्ट में है और मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसे पॉसिबल है, आई डोंट नो। लेकिन मैंने पहले आपको ये दिखाया था कि एक वीडियो में कि मैंने एकेड्रस जब मैं खेल रहा था, एक प्लेयर ऐसा था टीममेट में ही था जो जिसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा था, तो मुझे वो पॉसिबल नहीं लगा क्योंकि अपना जो अगर हम आपको लोडआउट में जाके दिखाएंगे, अपना अगर रीनेम कार्ड अगर हम यूज़ करने जाएंगे तो मैक्सिमम कैरेक्टर यहाँ 14 कैरेक्टर्स का दिखा रहा है, जबकि अगर हम इसको काउंट करके देखें अपना जो बंदा है यहाँ जो भी अपना प्लेयर है काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 मौलिक बराबर 20। कैसे भाई, कैसे हमको बता दो ये कि ये चीज़ कैसे ये पॉसिबल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं कि हाँ, अगर ऐसा अगर पॉसिबल है तो मैं भी अपना जरूर करना चाहूँगा कि हेल गिवर वाइटी की जगह हेल गिवर गेमिंग एकदम प्रॉपर मैं भी लिखना चाहूँगा, लेकिन मुझे ये बताएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये सब छोड़ दें, अगर आप अभी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, वीडियो जो अपना असल का टॉपिक है। तो अगर अपना फर्स्ट जो टॉपिक जो फर्स्ट जो पॉइंट है जिससे आप लैग फ्री खेल सकते हो, तो फर्स्ट जो है आपको क्या करना है कि आपको सिंपल से सेटिंग्स में जाना है। एकदम बेसिक से चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ पता है तो प्लीज़ गाली मत देना, इसको पता नहीं उसके लिए है। तो आपको नॉर्मल से सबको मैक्सिमम इंसानों को पता होगा कि मेमोरी में जाके आपको अगर आप इसे क्लीन करोगे तो आपका गेम परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होगा। हाँ, ये सैमसंग में तो काम करता है, थोड़ा गेम परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। और इसमें क्या है, आपको रिसेंट ऐप में यहाँ जो नीचे तब आया था, ये रिसेंट ऐप में आपको रखना पड़ेगा आपका COD, ताकि COD क्लीन हो। ऐसा नहीं कि COD का हटा दिए फिर आप सिस्टम क्लीन करो फिर मज़ा नहीं आएगा, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको COD को आपको रिसेंट ऐप में रख के फिर वहाँ से क्लीन करना पड़ेगा, जिससे COD भी क्लीन हो जाएगा, तो आप इजीली और अपना ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टिप की तरफ, जो अपना दूसरा ट्रिक है, जो अपना बेस्ट नहीं है, जो मैं बता सकता हूँ कि मुझे तो अभी पर्सनली ये बेस्ट बहुत अच्छा लगा है। तो सैमसंग फोन्स में क्या होता है, फोकस मोड नाम का कुछ एक चीज़ रहता है। तो फोकस मोड से आप क्या कर सकते हो कि अपना फ़ोन का जो लिमिटेशन को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब आप फ़ोन में कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ आपका COD काम करेगा, ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप हम फोकस मोड दबाते हैं तो हमारे यहाँ सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। तो गेमिंग मोड नीचे मैंने इसे कस्टमाइज़ करके रखा है, गेमिंग मोड को हम शुरू कर देंगे तो और अपना देखो अपना फुल जो फ़ोन है अभी काम करना बंद कर देगा, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट, बैकग्राउंड है ब्लैक एंड वाइट, वो छोड़ के अभी सब कुछ ब्लैक एंड वाइट हो जाना चाहिए अभी तक। हाँ हो गया, तो ब्लैक एंड वाइट हो गया, अभी अपना COD ही सिर्फ ऑन है और अपना थोड़ा थोड़ा मोड़ा चीज़ ही जो एसेंशियल चीजेस होते हैं वही सिर्फ अभी काम कर रहे हैं, वो छोड़ के कुछ नहीं। तो COD को हम लोग जब खेलेंगे तो जो भी सारे जो GPU लगेगा वो COD के ऊपर ही लगेगा, वो यूज़ सिर्फ COD करेगा, तो जिससे आपका गेम ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा। अभी देखो OnePlus की तरफ या iPhone की तरफ एक्सपेक्ट मत करना, ये iPhone या OnePlus जैसे कोई गेमिंग फ़ोन जैसा परफॉर्मेंस तो नहीं देगा, लेकिन एटलीस्ट आपका पहले जो गेमिंग परफॉर्मेंस जैसा एक्सपीरियंस है उससे थोड़ा तो बेटर हो गई। तो जो थर्ड मुझे बेस्ट लगा है टिप जिससे हम गेम फास्ट खेल सकते हैं, तो थर्ड है एक ऐप है, ऐप यस, जो आपको शायद गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा और मैंने तो इसे गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड किया है। तो गेम प्लगइन करके एक सैमसंग की तरफ से आने वाला एक ऐप है जिसमें आप गेम लॉन्चर की तरह ही होता है, आपको ओपन करके दिखाता हूँ, गेम लॉन्चर की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आप शायद मेबी मुझे फर्क तो दिखा नहीं, अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है सैमसंग का 6GB वाला रैम वाला अच्छा फ़ोन है तो उसमें ट्राई कर सकते हो। तो इसमें देखो मैंने अपना कस्टमाइज़ करके रखा है, इसमें 5 ऑप्शन आते हैं आपको, बैटरी सेविंग, बैलेंस, मैक्स FPS, हाई क्वालिटी, कस्टम। कस्टम बजट से तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो आपका गेमिंग परफॉर्मेंस। तो मैंने इसे मैक्स FPS में भी सेट करके रखा है, शायद थोड़ा मोड़ा शायद पड़ा है फ़र्क, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया इसलिए मैं मैक्स FPS को ही यूज़ करता हूँ।
अगर आपको भी, अगर आपका अच्छा फ़ोन है, मेरा फ़ोन तो अभी सड़ चुका है, अगर आपका भी अच्छा सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें ट्राई करके देखो, शायद आपका फ़ोन में काम कर जाए, आपका फ़ोन बेटर मैक्स FPS में चलना शुरू हो जाए। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर फ़ोन अच्छा नहीं होता तो अगर आप गेम्स के सेटिंग्स में मैक्स FPS में रखोगे फिर भी आपका जो FPS रहेगा वो मैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बढ़ते अपनी लास्ट टिप की तरफ जिससे आप गेम फास्ट खेल सकते हो, वो है डेवलपर ऑप्शन में आपको जाना है। डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है GPU डीबग लेयर। ज़्यादा स्क्रॉल करने का नीचे ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्क्रॉल करने से आपको मिल जाएगा एनेबल GPU डीबग लेयर। ये वाला आपको क्या करना है, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपका गेम परफॉर्मेंस की जो है, जो CPU है वो सिर्फ COD ही GPU को कंज्यूम करेगा, वही समझ रहे हो ना, सारे जो वर्क जो कंसंट्रेशन रहेगा GPU का वो सारे COD के ऊपर जाएगा, तो आप लैग फ्री शायद खेल सकते हो। मुझे तो, मैं जब से इसे ऑन करके रखा हूँ मेरा गेम मैक्सिमम टाइम लैग फ्री चलता है पहले के मुकाबले। तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने ही चार टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको ये सब सारे अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने इसके बाद एक गेम प्ले वीडियो भी डाला है जो एक गाने के साथ सिंक किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ये गेम प्ले फुल देख के ही जाना, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।